हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी। और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ शेविंग के बारे में और हैंड शेविंग के बारे में। मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपको एकदम परफेक्ट और स्मूथ शेव मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम बाजार से बहुत सारे महंगे शेविंग ब्लेड्स ले आते हैं और फिर हम शेव करते हैं हाथों पे या पैरों पे, लेकिन फिर भी हमें एक स्मूथ स्किन नहीं मिलती है। हमारे स्किन पे फिर भी कुछ ना कुछ बाल रह ही जाते हैं और स्ट्रॉबेरी स्किन जैसे बन जाती है। आप हाथ लगाओगे तो एकदम ऐसा फील होगा जैसे कि आपके बाल चुभ रहे हैं, आपको एकदम क्लीन नहीं हो पाए हैं। आप कितना भी महंगा रेजर ले लीजिए तो भी आप को स्मूथ स्किन नहीं मिल रही है, तो आप गलत तरीके से शेव कर रहे हैं। तो आपको मैं कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करने ही करने हैं परफेक्ट शेव के लिए। अगर शेविंग करने के बाद आपके हाथ रेड हो जा रहे हैं या फिर इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, रेड बम्स आ जा रहे हैं आपके हाथों पे, तो भी आप गलत तरीके से शेव कर रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, क्योंकि मेरे न्यू वीडियोस के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख सकते हैं मेरे हाथों में छोटे छोटे बाल हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो मैं शेविंग करने के लिए यहाँ पे ये रेज़र ले रही हूँ, एक ये रेज़र भी ले रही हूँ। मेरे पास दो रेज़र हैं इस टाइम पे, लेकिन मैं इस वाले रेज़र को यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी ले सकते हो, ये थोड़ा सस्ता है, अफोर्डेबल है, कोई भी ले सकता है, इसको यूज़ कर सकता है। सेम दोनों से ही सेम होने वाला है क्लीन, लेकिन मैं यहाँ पे ये प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने पहले यूज़ किया हुआ है एक बार, तो मैं दोबारा से इसी को यूज़ करूँगी आप लोगों के सामने। सबसे पहले मैं अपने हाथ को गर्म पानी से धो लूँगी, क्योंकि मैं वॉशरूम में नहीं कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, तो मैं धो नहीं सकती हूँ। तो मैं इसे वाइप कर लूँगी गर्म पानी से अच्छे से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी स्किन को एक्सफोलिएट यानी कि स्क्रब, और ये होममेड स्क्रब है। मैंने ये चावल के आटे से बनाया और इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स कर लिया है, तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बाजार का या घर का बना हुआ, लेकिन आपको स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है, अपने हाथों को एक्सफोलिएट ज़रूर करें। तो मैं स्क्रब को थोड़ा सा ले लूँगी और अपने हाथों को अच्छे से इस तरीके से आप देख सकते हो सर्कुलर मोशन में स्क्रब करेंगे। मैं हाथों को स्क्रब करने के लिए ज़्यादातर चावल के आटे से ही स्क्रब करती हूँ, क्योंकि अच्छे से स्क्रब हो जाते हैं, सारी डेड स्किन निकल जाती है, जिससे हमारी शेविंग बहुत अच्छी हो जाती है, एकदम परफेक्ट शेव मेरे को मिलती है। स्क्रब करने के बाद, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने के बाद, आप गर्म पानी का एक टावल, वाइप या कुछ भी ले सकते हैं, उससे पोंछ लीजिए या गर्म पानी से धो लीजिए। अब हम करेंगे शेविंग, और शेविंग करने के लिए सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी अपने हाथों में ये कंडीशनर। कोई भी आप हेयर कंडीशनर लगा सकते हैं, सस्ता महंगा जो आप यूज़ करते हैं, कोई सा भी, लेकिन आप कंडीशनर लगा के देखिए आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाएगी शेविंग करने के बाद। मैंने इस तरीके से अप्लाई कर लिया है इसको। अब मैं यहाँ पर शेव करने जा रही हूँ। आपको सबसे पहले जहाँ पे आप देख लीजिए आपकी डायरेक्शन क्या है हेयर की, तो जैसे कि मेरे हाथों पे बाल इस तरफ को है, तो मैं पहले फर्स्ट स्ट्रोक जो है नीचे की तरफ लेके जाऊँगी इस तरीके से, देन इस तरीके से ऊपर की तरफ हम करेंगे क्लीन शेव। आपको छोटे छोटे स्ट्रोक लेने हैं, छोटे छोटे जगह पे क्लीन करना है आपको इस तरीके से। और आपको जब भी आप यहाँ पे करें तो इस तरीके से नीचे की तरफ जाएं धीरे धीरे, शेविंग जल्दी जल्दी में बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आपको कट लग सकता है, तो थोड़ा आराम से कीजिए। और ये जो हमारा एल्बो एरिया है, इसको हम इस तरीके से हल्के हाथों से क्लीन करेंगे। मैं इतना क्लोजली आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बट यू कैन सी
ये एकदम अंदर से क्लीन कर देता है कंडीशनर लगाने से। ये एकदम क्लीन हो चुका है तो मैं इसको ऑफ कैमरा पूरा क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो इस वाले रेजर में ऑलरेडी एक जेल होता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे अपने हाथों पे कंडीशनर अप्लाई किया था क्योंकि मुझे बहुत ही परफेक्ट शेप चाहिए थी और बहुत स्मूथ हाथ चाहिए थे, इसीलिए कंडीशनर लगाया तो एकदम स्मूथ हो गए मेरे हाथ। आप देख सकते हैं कहीं पे बाल नहीं है और मुझे कोई बाल भी नहीं चुभ रहा है। अब मैं अप्लाई करूंगी एलोवेरा जेल अपने हाथों को मॉइस्चराइज करने के लिए, और उसमें मैं ऐड करूंगी नारियल का तेल। दो तीन बूंद डाल लिया है, इसको मिक्स करके अच्छे से मैं इस तरीके से एक मिनट के लिए अपने हाथों को अच्छे से मसाज कर लूंगी। मैंने अच्छे से इसको अपने हाथ को मॉइस्चराइज कर लिया है। आप चाहे तो कोई भी बॉडी लोशन लगा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ होममेड, उससे मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, मेरी स्किन को बहुत सूट करता है। आप देख सकते हो मेरी स्किन में एक भी बाल नहीं है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, इसमें अभी बाल हैं। अगर आप लोग ये सब स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपको एकदम परफेक्ट शेप मिलेगी और आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाएगी, जैसे मेरी स्किन एकदम स्मूथ हो गई है। बहुत आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे और अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।